For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इन दिनों कॉप फिल्म्स का दौर चल रहा है। दबंग फिल्म के चुलबुल पांडे कैरेक्टर को सभी बेहद पसंद करते हैं और अब इस फ्रेंचाइज के तीसरे इंस्टॉलमेंट की शूटिंग भी चल रही है। वहीं रोहित शेट्टी भी अपने कॉप यूनिवर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म सिंघम के साथ उन्होंने अपनी कॉप यूनिवर्स की शुरुआत की और इस फिल्म की अपार सक्सेस के बाद उन्होंने सिंघम रिटर्न्स भी बनाई। वेल, बाजीराव सिंघम के साथ अपने कॉप यूनिवर्स की शुरुआत करने के बाद उन्होंने फिल्म सिम्बा के साथ रणवीर सिंह को भी इस कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बनाया और अब इस यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए वो सूर्यवंशी के साथ अक्षय कुमार को भी अपने कॉप यूनिवर्स का हिस्सा बना रहे हैं। ऐसे में सलमान खान चाहते हैं कि रोहित शेट्टी चुलबुल पांडे और बाजीराव सिंघम को एक ही स्क्रीन पर लाएं। मगर इन दोनों कॉप्स के टेम्परमेंट्स तो बिल्कुल अलग हैं। जहां चुलबुल पांडे ठहरे अपनी मर्जी के मालिक, वहीं बाजीराव सिंघम प्रोटोकॉल और रूल्स को फॉलो करने वाले स्ट्रिक्ट कॉप हैं। पर अगर रोहित शेट्टी ने इन दोनों कॉप्स के साथ एक फिल्म प्लान कर ली तो इन ऑपोजिट टेम्परमेंट वाले कॉप्स को एक ही फिल्म में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, है ना?